जय माता दी दोस्तों, आज आपका ये दोस्त राकेश बंसल आपके साथ शेयर करेगा चीपेस्ट रियल पीएसयू स्टॉक। और खास बात क्या है, ये जो स्टॉक है अनडिस्कवर्ड बाय मार्केट है। मुझे तो लगता है दोस्तों, इस स्टॉक को बाय करना चाहिए और सेल नहीं करना चाहिए अगले 3 से 4 साल के लिए। मुझे तो ये जो स्टॉक है मल्टीबैगर स्टॉक इन मेकिंग लगता है। क्यों लगता है, सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैं शेयर कर रहा हूँ पहला आपके साथ कि मैं आ रहा हूँ अहमदाबाद में 11 मई 2024 शनिवार को। पूरे दिन का मेरा इवेंट है जहाँ पर होगी मेरी मास्टर क्लास, लंच चाय तो होगी होगी, और साथ में वन ऑन वन इंटरेक्शन होगा हर पार्टिसिपेंट के साथ। वन ऑन वन इंटरेक्शन है तो दोस्तों लिमिटेड सीट्स होंगी, तो देरी मत कीजिए। गूगल फॉर्म का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको भर के अपने आप को रजिस्टर कीजिए। दूसरा दोस्तों, हमारा एक फ्री चैनल है हमारे ऐप पर, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां पर मैं टाइमली फ्री कंटेंट शेयर करता रहता हूं, स्टॉक पिक भी शेयर करता रहता हूं, फ्यूचर की भी, ऑप्शन की भी, मार्केट रिलेटेड स्टोरीज भी शेयर करता रहता हूं। तो लिंक पे क्लिक करके इसको ज्वाइन कीजिए आप फ्री चैनल को हमारे मोबाइल ऐप पर। और दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ अपनी परफॉर्मेंस। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं अप्रैल महीने की फ्यूचर सेगमेंट की परफॉर्मेंस, वहां पे हमने डिलीवर करा 49,000 का प्रॉफिट। मई सीरीज की परफॉर्मेंस भी आपके सामने, जो अभी शुरुआत हुई है, 41,500 का प्रॉफिट बुक हो चुका है, 90,000 का M2M प्रॉफिट हमारा मतलब की खड़ा हुआ है बायोकॉन के अंदर, साथ में NMDC का एक रेशो स्प्रेड है, मतलब कि कॉल स्प्रेड खड़ा हुआ है, बुल कॉल स्प्रेड खड़ा हुआ है, एकदम रॉकिंग मई सीरीज की भी परफॉर्मेंस है। कमोडिटी की परफॉर्मेंस देखें तो आपकी स्क्रीन पर है, मार्च अप्रैल के महीने में 2,11,000 का प्रॉफिट बुक हुआ। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं इंडेक्स ऑप्शन अप्रैल महीने की परफॉर्मेंस, 4 ट्रेड है, चारों के चारों रॉकिंग, 8,948 का प्रॉफिट बुक करा हुआ है। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं स्टॉक ऑप्शंस अप्रैल महीने की परफॉर्मेंस, यहाँ स्टार परफॉर्मर देखें तो मन्नापुरम फाइनेंस, NMDC रहे हैं, बाकी भी छोटे छोटे प्रॉफिट्स हैं, नेट प्रॉफिट 45,000 का है। और स्टॉक ऑप्शंस मई सीरीज अभी शुरुआत हुई है, यहाँ पर 9,625 का प्रॉफिट बुक हो चुका है और एक पोजिशन ओपन है फेडरल बैंक की। अब आप फेडरल बैंक का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, टोटल निकाल के कमेंट में डालो कि कितना प्रॉफिट है अगर आप बुक कर लें तो। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं मेंटरशिप सेगमेंट, जहाँ पे हम निवेश की राय देते हैं लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म मोमेंटम के नजरिए से। शिल्पा मेडिकेयर में बुक करा 46% का प्रॉफिट, स्पार्क में 16%, नेटको फार्मा के अंदर 4.5%, डिशमैन कार्बोजेन के अंदर 7%। हमारी सारी पास्ट परफॉर्मेंस हमारे पोर्टल IIMRakeshBansal.com पे अवेलेबल है, और अगर आप हमें सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट IIMRakeshBansal.com पे जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम किसी भी तरीके के मुनाफे की गारंटी नहीं देते हैं, पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर रिटर्न। दोस्तों मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ चीपेस्ट रियल PSU स्टॉक जो कि अनडिस्कवर्ड बाय द मार्केट है। तो दोस्तों कंपनी का नाम है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसका सिंबल है कॉनकॉर, इसका जो दाम है, प्राइस है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों कॉनकॉर को देखें तो इसका कोर बिजनेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय 3 डिस्टिंक्टिव एक्टिविटीज, पहला है कैरियर, दूसरा है टर्मिनल ऑपरेटर एंड तीसरा है वेयर हाउस ऑपरेटर। कॉनकॉर के पास है स्ट्रॉन्ग नेटवर्क 64 टर्मिनल्स का, और इस 64 में से 4 टर्मिनल एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंटेनर डिपोर्ट्स हैं, 3 स्ट्रेटेजिक टाइप्स हैं, 22 एक्सक्लूसिव डोमेस्टिक कंटेनर डिपोर्ट्स हैं, और अराउंड 35 टर्मिनल जो है ना परफॉर्म द कंबाइंड रोल ऑफ डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल टर्मिनल। कंपनी के पास देखें तो 65% से ऊपर मार्केट शेयर है इन कंटेनर रेल फ्रेट सेगमेंट। की बेनिफिशियरी है ऑफ द डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर विच इज लाइकली टू रिजल्ट इन वॉल्यूम ग्रोथ एंड इनहांस ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज। कॉनकॉर ने सरेंडर करी है सर्टन लैंड पार्सल्स इन तुगलकाबाद इन November 2023 दैट आर एंटीसिपेटेड टू रिड्यूस द एनुअल लैंड लाइसेंस फी कॉस्ट बाय 25 करोड़। कंपनी हैज ऑल्सो प्लान टू सरेंडर अ पोर्शन ऑफ लैंड वडोदरा टर्मिनल पर एंड प्लान टू रिड्यूस लैंड लाइसेंस फी एक्सपेंस बाय शिफ्टिंग वॉल्यूम टू इट्स टर्मिनल्स। कॉनकॉर को देखें तो कंटिन्यूसली बढ़ा रहा है नंबर ऑफ डबल स्टैक ट्रेन्स, इसके आंकड़ा देखें तो ये था 777 इन December 2021 जो कि बढ़ के हो गया है 1376 इन December 2023। इट कुड लोअर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर कंटेनर, इंप्रूव द कंपनीज कॉस्ट एफिशिएंसी लेवल। दोस्तों वैल्यूएशन और बाकी चीजें आपके साथ शेयर करूं, टारगेट शेयर करूं, उससे पहले शेयर कर रहा हूं इसका टेक्निकल चार्ट जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दोस्तों अनचार्टेड टेरिटरी, ब्लू स्काई जोन, खुले नीले आकाश के अंदर है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। चार्ट ये बोल रहा है
कैच मी इफ यू कैन ऑन एनी डिप। दोस्तों अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कॉनकॉर के वैल्यूएशन। दोस्तों मार्केट कैप देखें, मात्र है कंपनी की 61,000 करोड़ की, डेट फ्री है, साथ में इसके पास कैश है 3400 करोड़ का। दोस्तों मार्केट कैप है 61,000 करोड़ की और साथ में 64 टर्मिनल्स। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप 5 टर्मिनल जो है ना, पूरी मार्केट कैप के दाम पर आप 5 टर्मिनल नहीं खड़े कर सकते, तो एक अच्छा खासा रीरेटिंग का कैंडिडेट है। इसको तो टारगेट के धागों में बांधना नहीं चाहिए। लोग तो पूछते हैं कोई स्टॉक बताओ जिसको बच्चों के लिए लेके भूल जाएं। मैं कहता हूँ वो तो बहुत बड़ी चीज होगी 20-20 साल के लिए लेके भूलना, इसको 3 से 4 साल के लिए लेके भूलना चाहिए। एक अच्छी खासी रीरेटिंग का कैंडिडेट है मेरा। तो दोस्तों यहाँ पे हाई कन्विक्शन है और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है, ये स्टॉक हमने अपने PCG यानी कि प्राइवेट क्लाइंट ग्रुप, जिसको कुछ लोग HNI भी बोलते हैं, उसके साथ 25 अप्रैल को 975 के लेवल्स पे शेयर करा हुआ है। और दोस्तों वहां पर भी हमारा लंबी अवधि के नजरिए से होल्डिंग की राय है हमारी। तो दोस्तों आज मैंने शेयर करा आपके साथ चीपेस्ट रियल PSU स्टॉक विच इज अनडिस्कवर्ड बाय द मार्केट और एक मल्टीबैगर स्टॉक इन मेकिंग लगता है मुझको। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कीजिएगा। दोस्तों अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो छेती छेती बेल आइकन को दबा के मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जय माता दी। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी फ्यूचर।